சந்தோஷிமா. अब हमें अपना लक्ष्य पूर्ण करना ही होगा। प्रोफेसर, क्या हुआ? मैं ऐसा लग रहा है घर में जैसे कोई घुस आया। प्रबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल सूर्योदय के पश्चात हम संतोषी जी को मार नहीं पाएंगे क्योंकि उनका कल व्रत है। तुम कुछ भी करो किंतु कल प्रातः काल तक तुम्हें वापस आना ही होगा। हम अपने प्रेम को छोड़कर नहीं आ पाएंगे। संतोषी जी हमारा जीवन है और हम अपने जीवन का त्याग करके नहीं आ सकते। प्रबल ने हमारे घर वालों के लिए बहुत कुछ किया है माँ, अगर आज हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। माँ उसे ठीक कर दीजिए माँ। देवी संतोषी, यदि आपने प्रबल की रक्षा नहीं की तो हम आप सभी को कठोर दंड दिलवाए। प्रबल, तत्काल असुर लोक के लिए प्रस्थान करो। संतोषी जी, हमें अपने गांव जाना है, हमें आज्ञा दीजिए। जब तक ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। देखिए देवी संतोषी, आप स्वयं ही अपनी भक्त से कहे कि वो प्रबल को वापस आने दे। अब तुम्हें तत्काल आने की आवश्यकता नहीं है किंतु जब तक तुम संतोषी के प्राण ना हर लो अपने रुग्णता के षड्यंत्र को उजागर मत होने देना। और ऐसे उदास भी मत हो, जैसे ही तुम चलने फिरने लायक हो जाओगे ना हम खुद तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचवाएंगे। चलो अब आराम करो। मालूमी बहन, अब आप ही हमें बताइए कि ऐसी स्थिति में हम वापस कैसे आए। प्रबल, तुम्हें तत्काल वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि देवी संतोषी तुम पर अब दृष्टि भी नहीं रखेगी क्योंकि उन्हें यह लगता है कि तुम सच में अस्वस्थ हो और ऐसी दशा में कोई क्रीड़ा भी नहीं करोगे। अब तुम्हारे पास समय भी है और अवसर भी, इसीलिए अपना कार्य पूर्ण कर कर ही लौटना। किंतु जब तक तुम संतोषी के प्राण ना हर लो अपने रुग्णता के षड्यंत्र को उजागर मत होने देना। उसके प्राण कैसे और कहां हरने वो हम तुम्हें शीघ्र ही बता देंगे। जो आज्ञा बहन। अरे सर, ये प्रबल का कैसा गांव है जहां फोन भी नहीं। अरे फोन वन सब होगा। मुझे लगता है कि प्रबल जो है वो थोड़ा बेवकूफ है, उसे नंबर याद नहीं होगा इसीलिए उसने झूठ बोल दिया। हो सकता है, लेकिन हमें प्रबल के घर वालों की बहुत चिंता हो रही है। तो टेंशन मुझे भी हो रही है कि हम क्या कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं कि प्रबल का ख्याल करें और जब वो ठीक हो जाए तो उसे गांव भेज दें। पता नहीं उसके गांव में सब कैसे होंगे। प्रबल के लोग के लिए चिंतित ना हो संतोषी, क्योंकि तुम शीघ्र ही वहां पहुंचने वाली और जब तुम वहां पहुंच जाओ तो उस लोक के दर्शन तुम स्वयं ही कर लेना। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। रुद्राक्षी के जाने की वजह से तुम उदास हो ना? उसकी याद आ रही है। देखो
रुद्राक्षी के जाने से मैं भी उदास हूँ, मैं भी मिस कर रहा हूँ उसे, पर उसके लिए ये सही था, उसका जाना बहुत जरूरी था, उसके अपने करियर के लिए, अपने अपने सपनों के लिए। अच्छा सुनो, अब तुम ये रोना बंद करो, तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मोटे मोटे आंसू बहाऊंगा। आप बहाएंगे आंसू? देखा है कभी खुद को रोते हुए कैसे दिखते? हाँ देखा, तभी तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। ठीक है, वैसे तुम्हें आज रोना भी नहीं चाहिए, आज बहुत स्पेशल दिन है। क्या है आज? मतलब तुम भूल गई, याद नहीं है तुम्हें? आपका जन्मदिन नहीं है ये याद? आज के दिन मुझे लाइफ में सबसे स्पेशल चीज मिली थी। क्या मिले थे? बुद्धू, आज हमारी शादी हुई थी, हमारी एनिवर्सरी है आज। भूल कैसे गए? शादी की बात करने वाले। तुम्हें भी। अच्छा सुनो, दिन तो भूल गई हो लेकिन मुझे मत भूल जाना। कुछ भी, वैसे आप कह रहे थे ना कि आज का दिन बहुत खास है, तो आज के खास दिन में हमें ऐसे छोड़कर ऑफिस जाना जरूरी है क्या? सोचा मैंने उसके बारे में, लेकिन बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं करके वापस आता हूँ ना फटाफट। मत जाइए ना, आज के दिन हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं फटाफट वापस आ जाऊंगा, फिर हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे। एक काम करेंगे, हम कोई रोमांटिक सी मूवी जाएंगे। ना, हमें कोई फिल्म में नहीं जाना, हमें आपके साथ बैठ कर बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। तो हम बातें कर लेंगे, हम कोई रेस्टोरेंट चले जाएंगे, वहां जाके कुछ खा लेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ये ठीक है। अच्छा लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो तुम बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहन के तैयार। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी कौन सी शर्त है? ऑफिस से आते समय हमारे लिए गजरे लेकर आइएगा। यार जितने बोलो उतने गजरे उठा के ले आऊंगा, बस मेरी जो शर्त है उसका ख्याल रखना, तुम्हें बिल्कुल नई दुल्हन की तरह दिखना है। कितनी बार प्रयास किया हमने कि हम अपने दिल की बात आपसे कह दें, किंतु उठते हुए कदम हमेशा रुक गए। हमारे पास सब कुछ है, नहीं था तो बस प्रेम नहीं था, किंतु आज हमें हमारा प्रेम भी मिल जाएगा। तुम्हारे साहेब की पत्नी है, शादीशुदा है। हाँ तो हम आपको शादी के बंधन से ही आजाद करवाना चाहते हैं, हमेशा के लिए। बस आपके डैडू आ चुके हैं और तिवारी जी के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम चल चुका है। का बोले हो? बोल तो कुछ नहीं रहे लेकिन करने जा रहे हैं। अरे का करने जा रहे हैं? आपका दूसरा विवाह। नहीं, अपने साथ एक लौंडा लेके आए टिर्री सा, कह रहे हैं कि कच्चा बनियान तो किसी काम का रहा नहीं, अब मैं अंगूरी की शादी इस लौंडे से कराऊंगा, टिर्री से लौंडे से। और डैडू को कौन बताया कि लड्डू के भैया पगला गए हैं? एक्चुअली भाभी जी मैंने उन्हें फोन करके बुलाया था और मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। आप बताए डैडू को? आपने इनको देखा है क्या? ये हमारे देवर जी हैं, हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। अरे यही हमारे देवर जी हैं। हमें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला है। मिस्टर जी रुकिए, उसने देवर जी। कमला सिंह अलहावत जट्टा जी को हम योनोता देते हैं कि जिब ताई भी सिरसा गांव में रहे, हमारे घर में रहे। बड़ो मारे को आके ये नहीं बताती कि राणा भाई लक्की जी के कंधे में ना चोट लगी है, तो यू आयरन मैन का मुकाबला ना मेरे भाई शायद मैं कभी जीतता ही नहीं। ताई जी इस अनजान इंसान को हमारे घर में रखना चाहती है। बस पढ़ो ताई जी इस घर की बुजुर्ग से, और कौन इस घर में रहेगा या नहीं रहेगा इसका फैसला ताई जी करेंगी, तू नहीं। मेरे बाबा कौन है, वो कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा कौन है। तो चलो सखा, मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। मेरी पत्नी के लिए मुझसे लड़ोगे? प्रभु मनमोहक कान्हा ने ये कौन सा रूप धारण कर लिया है? ये कान्हा का विट्ठल रूप है। कान्हा का ये विट्ठल रूप इतना पवित्र है कि इसके सम्मुख किसी भी असुर या अधर्मी की कोई भी असुरी माया नहीं चल सकती।
इतने बड़े मैदान में इतने सारे लोगों के बीच कैसे ढूंढेंगे मम्मी जी को? हमें ढूंढ रहा था ना। तुम ठीक हो? अरे आप लोग यहाँ पे, आपके देवर मिल गए? हमारे देवर जी तो मिल गए, आपकी अम्मा जी वो मिली कि नहीं मिली? कहीं नहीं मिल रही हैं, बस सुराग मिला है कि वो यहीं कहीं है, रामलीला मैदान में। और जिसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है वो भी यहीं कहीं। लगता है आज इस मैदान में सब बुराई का अंत होगा।